हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है आठ डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी रिलीज की गई है इसमें जो कैंडिडेट आर्ट्स से हैं या बीकॉम से हैं या बीटेक से हैं या मेडिकल से हैं किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है राइट सभी के लिए अलग अलग लाइक प्रोफाइल है तो सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होगा अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं एग्जामिनेशन नहीं है किसी में इंटरव्यू है तो किसी में पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट है तो वो हम इसमें कवर करेंगे ईच एंड एवरी सभी प्रोफाइल के लिए आप जैसा कि यहां पे हमने कुछ किया मैं टर्मिनल मैनेजर है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर है टेक्निकल एग्जीक्यूटिव है रैम सर्विस एजेंट है कस्टमर एजेंट है ड्राइवर है और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है तो ये सभी के लिए हम डिस्कस करेंगे आपको करना क्या है आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है फॉर्म डाउनलोड करना है मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा फॉर्म आपको डाउनलोड करना है एंड फॉर्म फॉर्म को फिल करना है एज पर द लाइक डॉक्यूमेंट जो आपने फिल किया उस है उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं सेल्फ एड्रेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाने हैं एंड देन आपको फॉर्म फिल करके कुरियर कर देना है राइट right फ्रेंड्स और जो भी अपलिकेशन फी है उसका आपको जो है चलान या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका जो है आपको रिसिप्ट लगा के सेल्फ एड्रेस करके आपको कुरियर करना है सो so, हम डिस्कस करते हैं इसमें डीपली थोड़ा सा क्विकली हम इसमें कवर करेंगे और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन तो सो so फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये वैकेंसी रिलीज किया गया है एक तरह का वॉकिंग रिक्रूटमेंट है राइट और ये टर्मिनल टू पे है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे न्यू दिल्ली में आपका जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा मेल uh, फीमेल दोनों के लिए है आप देख सकते हैं टर्मिनल मैनेजर के लिए वन वैकेंसी है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए वन वैकेंसी है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए सिक्स वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए फाइव वैकेंसी है रैम्प सर्विस के है, एजेंट, अकम, रैंप के है, एजेंट के लिए बारह वैकेंसी है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए छियानवे वैकेंसी है कस्टमर एजेंट के लिए दो वैकेंसी है वैकेंसी और हैंडी वीमेन जो हाथ से काम करते लाइक साफ सफाई एंड ऑल दिस थिंग दो सौ सतहत्तर वैकेंसी लाइक क्लीनर स्वीपर एंड ऑल दिस ठीक है तो इसमें देखिए जैसे कि टर्मिनल मैनेजर है इनकी पचहत्तर हज़ार सैलरी है ग्रेजुएट कैंडिडेट हो और 20 साल का जो है एक्सपीरियंस हो आपका और 20 साल में 8 साल का एक्सपीरियंस जो है मैनेजरियल सुपरविजन कैप्सिटी पैक्स रैंप एंड कार्गो हैंडलिंग इन सब का जो है आपका वर्क होना चाहिए एयर एयरलाइन में आपका वर्क होना चाहिए एयरपोर्ट ऑपरेशन में अगर आपका वर्क का एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल पचपन मैक्सिमम एज दिया गया है उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स इसमें है ग्रेजुएट होल्डर प्लस अठारह साल का एक्सपीरियंस जिसमें कि छह साल का एक्सपीरियंस मैनेजरियल में होना चाहिए रैम कार्गो एयरलाइन वर्क में मतलब टोटल वर्क अठारह है जिसमें कि आपका छह साल का एक्सपीरियंस जो है एयरलाइन में होना चाहिए राइट और साठ हजार सैली है पचपन मैक्सिमम एक्सपीरियंस है मैक्सिमम जो है एज दिया गया है डिप्टी मैनेजर टर्मिनल इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए जिसमें सोलह साल का एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें चार साल का एक्सपीरियंस जो है आपका मैनेजरियल सुपरविजन इन एयरलाइंस में पैंतालीस हज़ार सैलरी है और इसमें देखिए आपका पचपन दिया है एज ठीक है और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल तो इसमें जो है बैचलर डिग्री मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग राइट तो इसमें देखिए मस्ट बी प्रोसेसन ऑफ लाइट मोटर व्हीकल्स आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और बारह मंथ का जो है मिनिमम जो है लाइसेंस आपका पुराना हो तेईस हजार पच्चीस हजार तीन सौ सैलरी है अट्ठाईस एज है मैक्स uh, ओ बी के लिए थर्टी वन एस सी के लिए थर्टी थ्री तो ये है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें रैम सर्विस एजेंट के लिए तो इसमें जो है डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल से इक्कीस ती, हज़ार तीन सौ रुपये सैलरी है इसमें जो है डिप्लोमा होल्डर या फिर आई जो है विथ थ्री ईयर एन सी का जो है आपका कोर्स वो होना चाहिए ऑटो तो, इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग डीजल मशीनिंग मैकेनिक बेंच फीटर वेल्डर इस सब में आपका होना चाहिए राइट तीन साल का एन या डिप्लोमा तो इक्कीस हज़ार तीन सौ सैलरी है और मस्ट बी ए वैलिड ऑरिजिनल हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी एजेंट आ, कम रैम ड्राइवर तो टेंथ के पास द आपका आपका जो है ओरिजिनल जो है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हैवी मोटर व्हीकल्स का उन्नीस हज़ार तीन सौ पचास साल या अट्ठाईस मैक्समेज दिया गया है एंड कस्टमर एजेंट के लिए ग्रेजुएट होल्डर विथ डिप्लोमा ए, ए ए आई ए टी ए राइट इसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है आ, अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो वन ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आ, फेयर्स में रिजर्वेशन में टिकटिंग में इन सब में पैसेंजर चेक इन कार्गो हैंडलिंग इन सब में एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपके पास एक्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है इन टर्म्स ऑफ ए आई ए टी ए में राइट तो ये है इक्कीस हज़ार तीन सौ सैलरी है इसका भी उसके बाद यहाँ पे देखिए हैंडीमैन टेंथ के पास जो है रीड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज लोकल हिंदी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीक इन डिजायरेबल राइट जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बोल सकते हो लाइक हिंदी के अलावा अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा भी और कोई लैंग्वेज आता है तो आपको फर्स्ट प्रेफ्रेंस दिया जाएगा सत्रह हज़ार पाँच सौ बीस रुपये सैलरी है अट्ठाईस मैक्सिमम एज है तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका जैसे एक मैनेजरियल के लिए है उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा स्क्रीनिंग राइट कस्टमर एजेंट के लिए जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा ग्रुप डिस्कशन होगा राइट नंबर डिपेंड करता है कि ये नंबर uh, ऑफ़ कितने अप्लीकेंट आते हैं अगर ज़्यादा आता है तो एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए ग्रुप डिस्कशन होगा अगर कम आता है नंबर ऑफ़ अप्लिकेंट तो सिर्फ इंटरव्यू हो जाएगा ठीक है चौथा प्रोफाइल की अगर बात करें तो रैम्प सर्विस एजेंट यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर तो इसमें क्या है आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा राइट ये चीज़ें होंगी उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके बाद हैंडीमैन के लिए जो है फिजिकल इन्डोरेंस टेस्ट होगा राइट आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो आप काम कर पाते हो ये होगा राइट आपको क्या करना है एक अप्रैल से लेकर बाईस अप्रैल तक फॉर्म फिल करके आपको पोस्ट कर देना है पोस्ट करिएगा आप यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर इनवेल्प के ऊपर पर लिखिएगा किस प्रोफाइल के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो और ए आई ए एस एल में जो है नो डिमांड ड्राफ्ट टू बी अटैच यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट आप अटैच मत कीजिएगा आपको कुरियर कहाँ करना है ये देखिए एड्रेस फॉर द स्पीड पोस्ट और एच आर डी डिपार्टमेंट एयर इंडिया परमाइशिश ए आई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड न्यू टेक्निकल एरियाज़ जी एस बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर कलकत्ता सेवन ट्रिपल जीरो फाइव टू यहाँ पर आपको कुरीयर कर देना है राइट right? uh, और आपको पाँच सौ रुपये का जो है चलान बनाना है राइट डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ए आई एयर पोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम पेबल एट मुंबई राइट और जो है एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट बिलोंग टू द एस सी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है और प्लीज़ राइट द डिमांड ड्राफ्ट पे अपना मोबाइल नंबर और पूरा नाम लिखिए जरूर राइट एस सी और एक्स सर्विस मैन छोड़ के सभी को पाँच का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ ए एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम एट मुंबई राइट और आपको कुरियर कर देना है ठीक है तो ये चीज़ें हैं ऑरिजिनल सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके जाना पड़ेगा एंड एट द टाइम ऑफ़ कुरियर आप जो है ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है फोटो कॉपी सेपरेटेड करके कुरियर कर दीजिएगा मैं आपको अब आप फॉर्म दिखा देता हूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पर यहाँ पे आप देखिए ये फॉर्म है आपका है ना ये फॉर्म है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑल रिलेटेड अपना पूरा पर्सनल डिटेल फिल कीजिएगा राइट right. आपको ये डाउनलोड करना है ए आई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा ठीक है तो ये फॉर्म फिल करके आपको ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगा के आपको कड़ियर कर देना है राइट रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये क्या क्या लगाना है ये सब टिक करके आप भेज दीजिएगा ठीक है फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए आप सोशल जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है लाइक लिंकड इन ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सो गुड लक फॉर योर इंटरव्यू फॉर योर ट्रेड टेस्ट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो like लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो गुड लक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड थैंक यू